नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज एलनाबाद में श्रम एवं रोजगार मंत्री नायाब सिंह सैनी ने एलनाबाद व कुतापट मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने विकास कार्य जो करवाए हैं उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इनेलो और कांग्रेस को आम जनमानस से कोई लगाव नहीं है। उन्होंने कहा कि इनेलो व कांग्रेस पार्टी कभी किसान हितैषी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछली सरकारों की दमनकारी नीतियों के कारण किसान हमेशा पीसा है, किसान को दबाने का काम किया जाता रहा है। भाजपा के सिवा कोई दूसरी पार्टी किसान हितैषी नहीं हो सकती, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की फसल लोन पर 0% ब्याज कर दिया है, जो कि पिछली सरकारों में 18% तक था। उन्होंने कहा कि इनेलो SYL के नाम पर दिखावटी ड्रामा कर रही है। राज्य में 4 बार इनेलो की सरकार रह चुकी है, तब वे कहाँ थे जल नेता? किसानों के लिए जल को लेकर के आना और जल के लिए प्रबंधन करना, ये इनेलो के बस की बात नहीं है। जब इनेलो की सरकार थी तब वे SYL का मुद्दा नहीं उठाते थे और ना ही वे SYL को लेकर के आए। आप देख रहे हैं पल पल एलनाबाद से LD स्वामी की। ये के अंदर हम इनेलो के साथ सरकार में थे, हमारे विधायकों ने त्याग पत्र दिया था और इन्होंने स्वीकार किया था, तो ये इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये मुद्दा इनेलो का नहीं है, ये सर्वदलीय मुद्दा है और सर्वदलीय सब ने बैठ करके इसका निर्णय निकालना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, परंतु ये प्रमुखता का मुद्दा, ये भारतीय जनता नहीं। तो कांग्रेस ने तो वोट लिया है किसानों का, इनेलो ने भी वोट लिया है, परंतु किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाया। उसका उदाहरण भी हमारे पास है कि हमारी सरकार ने जो पिछली सरकार का किसान की फसल का खराबा हुआ था 269 करोड़ रुपया, वो भी हमने दिया और हमने 3.5 वर्षों के अंदर किसान की अगर फसल का खराबा हुआ तो 2500 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया, इतनी मजबूती से किया। ये भी बताएं कि हमारी जब सरकार रही किसान की अगर फसल का खराबा हुआ तो हमने कितना पैसा दिया। ये किसान की बात तो करते हैं परंतु किसान को लूटने का काम करते हैं, किसान को दबाने का काम करते हैं, इस प्रकार की इनकी सोच है ये दोनों पार्टियों की। आज हरियाणा प्रदेश के किसान ने भी इनेलो को भी नकार दिया है, कांग्रेस को भी नकार दिया है। अब जो 2019 का चुनाव आएगा उसके अंदर इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनकी अपने परिवार की सीटें भी नहीं बचेंगी, वो परिवार की सीटें भी इनको ढूंढनी पड़ रही हैं कि हम कौन सी सीट से लड़े, किस सीट लोग पर जाए, इसकी चिंता इनके घर में हो रही है, इनके परिवार में हो रही है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति को आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने बिल्कुल सही से निकाल दिया। देश के प्रधानमंत्री बने थे, अगर 1998 से पहले अगर हम देखें, 1997 का कार्यकाल भी अगर हम देखें, तो 1997 के अंदर किसान अगर फसली ऋण लेता था तो उसको 18% का ब्याज वो बैंक को देना पड़ता था। अटल जी ने आकर के उसको 18% से आकर के उसको 9% किया, 9% के बाद 7% किया। 2004 में कांग्रेस की फिर सरकार आई, 2004 से लेकर के 2014 किसान को अगर फसल ऋण लेना होता था तो वही 7% का ब्याज देना किसान को पड़ता था। अगर ये किसान हितैषी होते तो उस ब्याज को तो कम करते जो किसान को फसल ऋण के लिए देना पड़ता था। और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि मेरे किसान को वो अब 7% नहीं, अब 4% देना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने फैसला किया, विधानसभा के अंदर फैसला किया कि मेरे किसान अगर फसली ऋण लेता है तो उसको कोई ब्याज का पैसा नहीं देना पड़ेगा, सारा का सारा ब्याज वो हरियाणा सरकार पे करेगी, उसको 0% ब्याज कर देगी। ये गठबंधन इस प्रकार का है जैसा दूध के ऊपर नींबू निचोड़ कर पी ले, इस प्रकार का गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है, इसका कोई आधार नहीं, क्योंकि मायावती कहीं किसी के साथ हाथ मिला लिया, कहीं किसी के साथ हाथ मिला लिया, तो ये तो आने वाले समय के अंदर आपको पता ही चल जाएगा। मैंने इसके अंदर बोली दिया कि ये गठबंधन है जैसा दूध के ऊपर हमने नमक को नींबू में छोड़ कर ले लियो, वो हालात गठबंधन की है, इसका कोई जनाधार नहीं।